एक बार आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट चोको चिप बनाना ब्रेड, जो कि बहुत ही हेल्दी है क्योंकि आपने घर में बनाया है। और यहाँ हम आटा प्रयोग करेंगे हेल्दी बनाने के लिए। इसे आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, बच्चे झट से टिफिन खत्म कर जाएंगे, या आप उसे ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में भी दे सकते हैं और निश्चिंत होकर दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और आप अपने बच्चों को ये आराम से निश्चिंत होकर खिला सकते हैं। तो आइए पहले हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 पके हुए बड़े साइज के बनाना, इसके साथ हमने लिया है 1 कप पिसी हुई चीनी और साथ में हमने यहाँ पे लिया आटा 1.5 कप। हमने यहाँ आटे का प्रयोग किया, आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, पर आटा चूंकि हेल्दी है तो हम यहाँ आटा यूज करेंगे। और जिस कप से मैंने आटा नापा है उसी कप से मैंने चीनी नापी है, तो 1.5 कप आटा और 1 कप चीनी। चोको चिप हमने लिया है यहाँ पे अपने अनुसार, मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है। साथ में हमने यहाँ पे लिया है सनफ्लावर ऑयल जो कि 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ हमने लिया 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और साथ में हमने लिया है यहाँ पे 1 कप बेकिंग पाउडर। इसके साथ हमें लगेगा 1 अंडा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को रेडी करेंगे क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं। यहाँ मैंने नीचे बालू दिया है, बालू में स्टैंड दिया है और इसे हम गर्म होने के लिए यानी प्री हीट करेंगे 15 मिनट के लिए। जब तक ये प्री हीट हो रहा है हम बाकी की तैयारी करते हैं। एक बाउल में हम दोनों केलों को छील कर डाल लेंगे। और इन्हें हम अच्छे से मैश करेंगे। यहाँ मैं मैश करने के लिए फोक का प्रयोग कर रही हूँ, आप हाथों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हमारे केले अच्छे से मैश हो जाए तो हम इसमें डाल देते हैं अंडा। यहाँ पे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे। तो यहाँ हमने डाल दिया सनफ्लावर ऑयल और इसे हम अच्छे से मिलाकर बीट कर लेते हैं। ये अच्छे से बीट हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं वनीला एसेंस। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस यूज किया है। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मैदा और साथ में हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। हम छलनी की मदद से इसमें डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और अच्छे से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो, जिसके कारण हमारा केक या ब्रेड अच्छे से फूले। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी और ये सब डालने के बाद हम इसे भी बहुत ही अच्छे से एक ही डायरेक्शन में बीट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, बीट आपको एक ही डायरेक्शन में करते रहना है। 7 से 10 मिनट तक हम इसे अच्छे से एक डायरेक्शन में इस तरह ब्लेंड कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं चोको चिप। चोको चिप डालने से बच्चों को ये बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा। और इसे डालने के बाद हम 1-2 बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है जिसकी मैंने ग्रीसिंग कर ली है और ग्रीसिंग करने के बाद मैंने इसकी डस्टिंग भी मैदे से कर ली है और इसे हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मैं यहाँ एल्युमिनियम फॉइल इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्वायर या ओवल शेप का केक टिन नहीं था। अगर आपके पास है तो आप केक टिन ही यूज करें और इसे अच्छे से टैप कर लीजिए। चोको चिप से हम इसे और डेकोरेट कर लेते हैं ताकि बच्चे इसे देखते ही तुरंत खाना शुरू कर दे। कढ़ाई यहाँ पे हमारी अब रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये प्री हीटेड हमने हो चुकी है, हमने इसे पहले ही चढ़ा दिया था। और अब हम इसे ढककर करीब 5 मिनट तक तेज आंच पे, उसके बाद 20 मिनट तक हम एकदम कम आंच पर इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें 1 स्पून डिप करके चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। अगर स्पून क्लियर निकले यानी ये एकदम रेडी है, फिर हम इसे ठंडा होने देंगे। अभी हम इसे डीमोल्ड नहीं करेंगे वरना टूट जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे डीमोल्ड कर दिया है। हमारा बनाना चोको चिप ब्रेड एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे मनचाहे शेप में काट कर बच्चों को दीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है कर हमें जरूर बताएं। हमारे रेसिपी को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन टैप जरूर कीजिए ताकि हमेशा जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।